इस वक्त की बड़ी खबर, CBSE एकेडमिक ईयर 2021 बोर्ड ने सभी स्कूलों को 9वीं से 11वीं के एनुअल एग्जाम कराने के निर्देश। 1 अप्रैल से शुरू होगा नया एकेडमिक सेशन। जी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने अपने सभी संबद्ध स्कूलों को 9वीं और 11वीं के एनुअल एग्जाम कराने का निर्देश दिया गया है। बोर्ड ने अपने नोटिफिकेशन में कहा कि स्टूडेंट को फेस टू फेस क्लासेस लेने की तैयारी किया जाना चाहिए और सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को लिखे एक पत्र में CBSE परीक्षा नियंत्रण समय संयम भारद्वाज ने कहा कि इन परीक्षाओं के जरिए यह पता लगाने की आसानी होगी कि COVID-19 के चलते स्टूडेंट को कितना नुकसान हुआ। साथ ही इस साल CBSE बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होगी। 10वीं की परीक्षाएं 7 जून तक जबकि 12वीं की परीक्षाएं 11 जून तक चलेगी। वही परीक्षाओं के नतीजे 15 जुलाई 2021 तक जारी किए जाएंगे। साथ ही इसके अलावा प्रैक्टिकल एग्जाम 1 मार्च से 11 जून 2021 के बीच होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।